important for the country. We are confident that the Madhan digital portal will significantly enhance the way we manage public finances, fostering greater trust and engagement between citizens and foreign authorities. My sincere welcome goes to the digital government for the sake of the Madhan, Madhan and Anantnag district, respectively. Who take this portal to the last year and the last year? This is one where one can find out the complaint is pending with whom and for how many days. Automated workflow, trend analysis, performance metrics, and even the sentimental analysis is also built into the system. Next. I'll cover the objectives related to this, that it ensures that online grievance can be नीतिगत निर्णय लेने बिना किसी भेदभाव के समाज के हर एक वर्ग की आवाज सुनी जा सके। गांव देहात में कहावत कही जाती है कि रात भर बारिश हो रही है लेकिन अगर बाल्टी उसी को अब एक बूंद जल भी उसमें संचय नहीं है। बाल्टी के लिए बारिश का कोई अर्थ नहीं है। गवर्नेंस में भी आम जनता की आवाज वही बारिश अगर डिपार्टमेंट नागरिकों की आवाज का संचय नहीं करता है तो वह सुशासन के लक्ष्य से छूट जाए और इसलिए मैं बार बार कहता भी हूं और मानता हूं। इस एक्सलेंसी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक जेएंड के समाधान पोर्टल का लॉन्च किया है। ये लॉन्च इंडियन गवर्नमेंट के एमएसएमईटी एक्ट 2006 के तहत जो है आज जम्मू कश्मीर के अंदर लॉन्च हुआ है। इसका मेन मकसद है जो पब्लिक ग्रीवेंसेज है उनको कहीं ना कहीं उनके रिडर्सल और मॉनिटरिंग के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ये यूनिफाइड ग्रीवेंसेज की मॉनिटरिंग और उनके रिडर्सल के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो एक्सीलेंसी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनका जो उन्होंने जम्मू कश्मीर की आम पब्लिक की शिकायत को कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म दिया है ताकि गवर्नमेंट के पास अगर वो कंप्लेंट्स जाती है तो कहीं ना कहीं उनका उनका जो रिड्रेसल है वो ट्रस्टवर्दी रहेगा। और मैं गुजारिश करूंगी अपने आवाम से भी कि इस ऐप पोर्टल का जो है इस्तेमाल करें और जहां पर भी कोई दिक्कतें कोई कंप्लेंट्स कोई शिकायत है वो इस वेब पोर्टल के जरिए जो है आप उनको जो है अपलोड करें और ये पोर्टल जो है तीनों लैंग्वेजेस में आप जो है इसको अपलोड कर सकते हैं इंग्लिश उर्दू हिंदी उसके जरिए से और अपने मोबाइल फोन सीएससी सेंटर्स और वेब पोर्टल के जरिए आप इस इन कंप्लेंट्स को जो है गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट रामबन की तरफ से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और पूरे आवाम की तरफ से गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जो इस पोर्टल के लॉन्च करने से जो है बहुत ज़्यादा आवामी जो मुश्किल आते हैं वो आसान होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, थैंक यू।